फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द गौरव मेहरा गैस्ट्रोनॉमी। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी डिश जो सिर्फ नॉर्थ में मिलती है और वो भी सिर्फ ठंडी के सीजनों में। यह है गुड़ का हलवा। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं अमृतसरी गुड़ का हलवा। ये एक ऑथेंटिक अमृतसरी डेलिकेसी है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक कप गुड़, आधा कप सूजी रवा, 5 से 6 चम्मच घी के, 3 कप पानी, 1/4 कप किशमिश, थोड़ा सा इलायची। आप रेजिन्स को गर्म पानी में भिगो के रख सकते हैं ताकि जब आप हलवे में डालें वो एकदम सॉफ्ट और जूसी रहे। तो आप काट लीजिए या फिर आप ग्रेट कर लीजिए चाशनी के। सबसे पहले हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए एक पतीले में पानी ले लीजिए। अब हम ऐड करेंगे गुड़। चाशनी बनाते वक्त आप बीच बीच में अच्छे से स्टर करते रहिए ताकि गुड़ नीचे लग ना जाए। अब हम ऐड करेंगे इलायची ताकि इलायची का फ्लेवर अच्छे से चाशनी में आ जाए। आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। हमारी गुड़ की चाशनी तैयार है। आप अपने से ढककर साइड में रख लेंगे और अपने सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। एक कढ़ाई में घी ले लीजिए। घी गर्म होने पर हम ऐड करेंगे सूजी रवा। सूजी को घी में अच्छे से भून लीजिए। आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि सूजी जल ना जाए। मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे कंटिन्यूसली स्टर करके आप भून लीजिए। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। इसे जब तक कि अच्छे से ब्राउन ना हो जाए पकाना है। हमने इस रेसिपी में सिर्फ सूजी ली है। एक और वेराइटी इसकी ये है कि अगर आप ये आटे के साथ बनाएं या थोड़ा सा बेसन आप सूजी में ऐड करके बनाएं। देख सकते हैं सूजी अच्छे से पक गई है, अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब आपने धीरे धीरे चाशनी ऐड करनी है। कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहिए ताकि लम्स ना फॉर्म हो। ये चाशनी छान के ऐड की है ताकि इलायची के दाने हलवे में ना आए। अब फाइनली हम ऐड करेंगे रेजिंस किशमिश। इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए। हमारा गुड़ का हलवा तैयार है सर्व होने के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी सूखी नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ये तैयार है हमारा ऑथेंटिक अमृतसरी गुड़ का हलवा। ये रेसिपी आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी आप जरूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपने एक्सपीरियंस बताइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू फॉर लविंग अस।